Jam Kids TV. दादी ये देखिए। ये क्या है? ये मेरी जादुई छड़ी है। अब इससे मैं जादू करूंगी। अच्छा मेरी परी। दादी माँ प्लीज एक परी की कहानी सुनाओ ना प्लीज। ठीक है ठीक है। तो आज हम सिंड्रेला की स्टोरी सुनेंगे। तो ये कहानी है सिंड्रेला और उसकी गॉड फेरी की। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी, जो बेचारी सिंड्रेला को हमेशा डांटते फटकारते रहते थे। सिंड्रेला बहुत सुंदर थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ और बहनों को उससे जलन थी। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को रानी की तरह रखा था और सिंड्रेला को नौकरानी की तरह। सिंड्रेला सिंड्रेला ये क्या है? अब तक फर्श साफ नहीं हुआ। तुम कामचोर और निकम्मी हो। अगर तुमने ये सब जल्दी नहीं किया तो आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, समझी? एक दिन उनके घर एक राजदूत आया। महाराज ने राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर सभी को आमंत्रित किया है, खास करके युवतियों को। शाही बॉल में राजकुमार अपनी जीवन साथी का चुनाव करेंगे, इसलिए राज्य की हर कुमारी युवती को खास आमंत्रण है। राजदूत की खबर सुनकर दोनों सौतेली बहनें खुशी से कूदने लगी। सिंड्रेला को भी राजकुमार के जन्मदिन के शाही बॉल में जाना था, लेकिन सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सोचा अगर सिंड्रेला शाही बॉल में गई तो राजकुमार उसे ही पसंद करेंगे। नहीं, मुझे उसे बॉल से दूर रखना होगा। इसे कामों में इतना उलझा दूंगी कि ये अपने लिए ड्रेस बना ही नहीं पाएगी। हाँ सिंड्रेला, ये लो रेशम, मेरी दोनों बेटियों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े सिल दो। माँ, अगर कपड़ा बच गया तो क्या मैं अपने लिए भी एक ड्रेस बना सकती हूँ? अच्छा, तुम्हें भी ड्रेस चाहिए? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम पहले मेरी बेटियों का ड्रेस सिलोगी और फिर घर का सारा काम करोगी और उसके बाद ही तुम अपने लिए ड्रेस बना सकती हो। बेचारी सिंड्रेला ने अगले 2 दिन तक अपनी सौतेली बहनों के लिए ड्रेस बनाया। अब सिर्फ एक ही दिन रह गया था बॉल को, लेकिन अब उसकी सौतेली माँ ने उसे सारे घर की साफ सफाई का काम दे दिया। अब बेचारी सिंड्रेला सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। आखिर वो दिन आ ही गया जब सिंड्रेला की सौतेली बहनें उसी के बनाए हुए कपड़े पहने एक बग्घी में बैठकर शाही बॉल के लिए निकल गए और बेचारी सिंड्रेला उन्हें जाते देखती रही। काश मैं भी शाही बॉल जा पाती। और तभी उसकी गॉड फेरी उसके सामने आई। सिंड्रेला, क्या तुमने मुझे बुलाया? आप कौन हो? मैं तुम्हारी गॉड फेरी हूँ और यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आई हूँ। क्या आप मुझे शाही बॉल में ले जा सकती हैं? गॉड फेरी ने हामी भरी और फिर अपनी जादुई छड़ी घुमाई, जिससे सिंड्रेला के फटे हुए कपड़े एक नई चमचमाती ड्रेस में बदल गए। कितनी सुंदर ड्रेस है ये! सिंड्रेला ड्रेस पहनकर घूम ही रही थी कि गॉड फेरी ने फिर से छड़ी घुमाई और पास ही पड़े कद्दू से एक बग्घी बना ली और फिर 3 चूहों को घोड़ों और चालक में बदल दिया। और आखिर में गॉड फेरी ने सिंड्रेला के गंदे जूतों को सुंदर चमकीले जूतों में बदल दिया। अब तुम शाही बॉल में जाने के लिए तैयार हो, लेकिन याद रहे तुम्हें 12 बजे से पहले घर वापस लौटाना होगा, वरना मेरा पूरा जादू उलट जाएगा और तुम फिर से अपनी असली हालत में आ जाओगी। मैं याद रखूंगी गॉड फेरी, थैंक यू सो मच। अब सिंड्रेला खुशी खुशी बग्घी में बैठकर निकल गई। वो राजमहल पहुंची और सभी लोग उसे ही देखते रह गए।
यहाँ तक कि उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे पहचाना नहीं। राजकुमार ने सिंड्रेला को डांस के लिए पूछा और उसने हामी भर दी। फिर काफी देर तक वो दोनों डांस करते रहे। अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर पड़ी। अरे नहीं, 12 बजने ही वाले हैं। और सिंड्रेला वहां से दौड़ पड़ी। रुको, अपना नाम तो बताओ। राजकुमार ने सिंड्रेला का पीछा किया लेकिन वो वहां से चली गई। पर राजकुमार को सिंड्रेला का एक जूता मिल गया। अगले दिन राजकुमार उस जूते के संग नगर में घूमने लगे। उन्होंने वो जूता हर लड़की को पहनाकर देखा लेकिन किसी को वो फिट नहीं आया। आखिरकार वो सिंड्रेला के घर पहुंचे और वहां उन्होंने वो जूते सिंड्रेला की सौतेली बहनों को पहनाया। उनको भी वो जूता नहीं हुआ। फिर राजकुमार की नजर कोने में खड़ी सिंड्रेला पर पड़ी। क्या आप ये जूता पहनकर नहीं दिखाएंगी? अरे नहीं, ये तो उस बॉल में नहीं आई थी। वैसे भी एक नौकरानी है। राजकुमार के आग्रह पर सिंड्रेला ने वो जूता पहना और वो उसे प्रॉपर फिट आया और राजकुमार ने सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और फिर सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो गई और वो हमेशा खुश रहे, है ना दादी? हाँ मेरी नन्ही परी। अरे ये क्या, तुम तो गेम खेल रही हो। रूही, मम्मी ने तो तुम्हें होमवर्क करने को कहा था ना? हाँ, वो हमेशा होमवर्क की रट लगाए रहती हैं। लेकिन मुझे तो गेम खेलना है। अच्छे बच्चे मम्मी की हर बात मानते हैं। मैं भी तो मानती हूँ लेकिन अब मेरा मन गेम खेलने का है। चलो तुम्हारी ही जैसी एक लड़की की कहानी सुनते हैं, लिटिल रेड राइडिंग हुड। इस लड़की का नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड था क्योंकि वो हमेशा रेड कलर की हुड पहना करती थी। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड की मम्मी ने उसे एक बास्केट दिया और कहा कि ये बास्केट वो दादी माँ के घर ले जाए जो जंगल में रहती हैं। याद रखना, अजनबियों से बातचीत मत करना। और लिटिल रेड राइडिंग हुड बिना मम्मी की बातों पर ध्यान देते हुए वहां से निकल गई। रिंगा रिंगा रोज़ेस, पॉकेट फुल ऑफ पोज़ेस। अचानक राइडिंग हुड के सामने एक भेड़िया आ गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड कांपने लगी। तुम कहाँ जा रही हो बेटा? दादी के घर, वो बीमार है इसलिए मम्मी ने भेजा है उन्हें दवाई और पौष्टिक खाना खिलाने। अचानक भेड़िए को किसी की आहट सुनाई दी। तुम बहुत प्यारी हो बच्ची, तुम्हारी दादी माँ कहाँ रहती हैं? मिस्टर वुल्फ, वो नदी के उस पार रहती हैं, पीले घर में। ठीक है बेटा, तुम जाओ। सी यू। नाइस मीटिंग यू मिस्टर वुल्फ, बाय, सी यू। लिटिल रेड राइडिंग हुड पहले की तरह खुशी खुशी चलने लगी लेकिन भेड़िए ने दादी और पोती दोनों को खाने की योजना बना ली। वो अपने लंबे लंबे पैरों से कूदता हुआ दादी के घर जा पहुंचा। भेड़िए ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दादी ने दरवाजा खोला, भेड़िए ने दादी को निगल लिया और फिर उसने दादी के कपड़े पहने, टोपी पहनी और चश्मा भी पहना और दादी के बेड पर सो गया। कुछ देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खटखटाया। भेड़िए ने दरवाजा खोला। दादी माँ, मैं आ गई, ये लीजिए आपकी दवाई और खाना। अंदर आ जाओ बेटा। ये आपको क्या हुआ, आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। और आपके कान इतने लंबे क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें सुन सकूं।
और आपके दांत इतने नुकीले क्यों हैं? ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। भेड़िये ने बिना देर किए लिटिल रेड राइटिंग हुड को निगल लिया। इतना सारा खाकर भेड़िये का पेट फुल हो चुका था और उसे नींद भी आ रही थी, तो वो वहीं दादी माँ के बिस्तर पर सो गया और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। पास से एक शिकारी गुजर रहा था, उसने खर्राटों की आवाज सुनी। ये तो किसी भेड़िये की आवाज है। शिकारी ने दादी की खिड़की से देखा तो भेड़िया दादी के बिस्तर पर सो रहा था। लगता है इसने दादी माँ को निगल लिया, इसलिए इसका पेट इतना फूला हुआ है। मुझे दादी को बचाना होगा। शिकारी ने अपने चाकू से भेड़िये का पेट फाड़ा और उसमें से पहले लिटिल रेड राइडिंग हुड बाहर आई और फिर दादी माँ बाहर आईं। फिर शिकारी ने घर के बाहर से पत्थर लाया और भेड़िये के पेट में भर दिया और सुई धागे की मदद से उसका पेट सील दिया। इसके बाद तीनों घर के बाहर खिड़की से देखने लगे। कुछ देर बाद भेड़िया उठा और चलने लगा। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, इसलिए मेरा पेट इतना भारी है। भेड़िया घर के बाहर गया और जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसका पैर फिसला और वो नदी में गिर गया। पत्थरों के वजन के कारण वो नदी में डूब गया। बचाओ, 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 बचाओ! उस शिकारी के कारण दादी माँ और लिटिल रेड राइडिंग हुड की जान बच गई। लेकिन रूही, बताओ वो इस मुसीबत में फंसी क्यों? क्योंकि उसने भेड़िये से बातचीत की। हाँ, और उसने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। अजनबियों से बात नहीं करना, समझी? मैं समझ गई दादी माँ। मैं मम्मी की हर बात मानूंगी। अब मैं पहले होमवर्क करूंगी और फिर खेलूंगी। बहुत अच्छे रूही बेटा। क्या बात है, आज तुमने पहले ही सारा दूध पी लिया। वो इसलिए कि आज मुझे परियों की कहानी सुननी है। अच्छा अच्छा, परियों की कहानी? क्या तुमने रपंजल का नाम कभी सुना है? नहीं दादी, रपंजल कौन है? तो चलो रपंजल की कहानी सुनते हैं। जर्मनी देश में एक दंपत्ति थे। उनकी शादी के कई वर्षों बाद उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, सुनिए, उठिए, सुनिए। क्या हुआ? मेरा मन हो रहा है कि मैं रपंजल की सब्जी खाऊं। लेकिन उनके गांव में रपंजल की सब्जियां सिर्फ चुड़ैल के खेत में ही मिलती थी। ये सोच पति घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए वो रात के अंधेरे में चुड़ैल के बगीचे जा पहुंचा। और पत्ते तोड़ने लगा। लेकिन अचानक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बगीचे से रपंजल तोड़ोगे? पति ने उस चुड़ैल के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। उसने अपनी गर्भवती पत्नी के बारे में भी बताया। तुम जितने चाहो उतने पत्ते ले जा सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लड़की पैदा होगी उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। अब
पति चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल ने एक न मानी। दोनों पति पत्नी निराश हो गए। कुछ महीनों बाद पत्नी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और कुछ ही समय में वो चुड़ैल वहां आ गई और बच्ची को अपने साथ ले गई। चुड़ैल ने बच्ची को एक बुर्ज में रखा जहां ना कोई सीढ़ी थी और ना ही दरवाजा। और फिर चुड़ैल ने इस बच्ची का नाम रपंजल रखा और वो उसकी बड़े प्यार से देखभाल करने लगी। और जल्द ही 12 वर्ष बीत गए और अब रपंजल बड़ी हो रही थी। रपंजल ने चुड़ैल को ही अपनी माँ समझ लिया था। चुड़ैल को अब ये पता था कि रपंजल के पास दुनिया के सबसे खूबसूरत सुनहरे बाल हैं और अब चुड़ैल उसके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। माँ, इस बुर्ज के बाहर क्या है? एक बहुत ही बुरी और डरावनी दुनिया है। रपंजल को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था। समय बीता और रपंजल के सुनहरे बाल अब बुर्ज के नीचे तक पहुंच सकते थे। रपंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको, तुम्हारी प्यारी माँ आई है। और फिर चुड़ैल बालों के सहारे बुर्ज पर चढ़ती थी। अक्सर रपंजल अकेले होती तो वो गाना गाया करती थी। एक दिन रपंजल गाना गा रही थी और एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। और वो बुर्ज के पास पहुंचा। उसने बुर्ज के फेरे मार लिए, लेकिन उसे ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। कुछ देर बाद वो राजकुमार वहीं पेड़ के पास सो गया और जब वो उठा तो उसने देखा कि चुड़ैल आई और उसने कुछ बोला और फिर रपंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे फेंके। तो ये रास्ता है ऊपर जाने का। फिर अगले दिन राजकुमार ने भी चुड़ैल की नकल की और जब रपंजल ने अपने बाल नीचे फेंके तो वो उसके सहारे ऊपर पहुंच गया। कौन हो तुम और मेरी माँ कहाँ है? घबराओ मत और शोर भी मत मचाओ। मैं एक राजकुमार हूँ। तुम्हारी मीठी आवाज मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, माँ कहती है कि बुर्ज के बाहर एक बुरी दुनिया है और तुम भी उसी दुनिया से आए हो तो तुम भी बुरे ही होंगे। नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। क्या ये राजकुमार सच बोल रहा है? मैंने तो कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, पर मैं इस बुर्ज के नीचे उतरूंगी कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वापस आऊंगा। लेकिन जब राजकुमार बुर्ज से उतर रहा था तो चुड़ैल ने उसे देख लिया। और तमतमाते हुए रपंजल के पास आई। हाँ,
मैंने तुम्हारी देखभाल की और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। चुड़ैल ने गुस्से में आकर बेचारी रापुंजल के सुनहरे बाल काट दिए और अपने जादू से रेगिस्तान में फेंक दिया। अगले दिन जब राजकुमार बुर्ज पर लौटा तो चुड़ैल ने रापुंजल के सुनहरे बाल खिड़की से बाहर फेंके, जिसे पकड़कर राजकुमार ऊपर चढ़ा। चुड़ैल को देखकर राजकुमार डर गया। तुम्हारी प्यारी रापुंजल को सजा मिल गई है, अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल ने राजकुमार को बुर्ज के नीचे फेंक दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। बेचारा अंधा राजकुमार यहां वहां भटकता रहा और भाग्य से वो भी रेगिस्तान जा पहुंचा। वहां उसने रापुंजल की मधुर आवाज सुनी। रापुंजल, रापुंजल, रापुंजल। जब रापुंजल ने अंधे राजकुमार को देखा तो वो रोने लगी। उसने राजकुमार का सिर अपनी गोद में रखा और जैसे ही रापुंजल के बहते हुए आंसू राजकुमार की आंखों में गिरे तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। रापुंजल, रापुंजल, मैं देख सकता हूँ। और राजकुमार अपनी रापुंजल को लेकर अपने राज्य लौटा, जहां उन दोनों की शादी हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने रापुंजल के असली माता पिता को भी ढूंढ लिया और इसके बाद वो लोग हमेशा खुश रहे। तो रूही, कैसी लगी रापुंजल की कहानी? बहुत अच्छी दादी माँ, मैं भी रापुंजल जैसे लंबे बाल करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले सो जाओ। शुभ रात्रि दादी माँ। शुभ रात्रि मेरी प्यारी रूही। देखिए दादी माँ, मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस। बहुत अच्छी है। काश मैं भी एक प्रिंसेस होती। तुम मेरी प्रिंसेस हो। लेकिन दादी माँ, अगर मैं सचमुच प्रिंसेस होती तो मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस, एक महल और बहुत कुछ होता और मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। अच्छा, तो चलो एक प्रिंसेस की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है प्रिंसेस अरोरा की। जब किंग स्टीफन और क्वीन लिया को एक बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सारी परियों को निमंत्रण दिया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। कुल मिलाकर 7 फेरी समारोह में आई थी। एक एक करके 6 फेरीज ने प्रिंसेस अरोरा को ब्लेसिंग्स दे दी। अब 7वीं फेरी की बारी थी, लेकिन तभी मुझे नहीं बुलाया प्रिंसेस को ब्लेस करने के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रिंसेस को ब्लेस जरूर करूंगी। प्रिंसेस अपने 16वें बर्थडे पर एक सुई के चुभने से मर जाएगी। ऐसा बोलकर ईविल फेरी वहां से गायब हो गई। अब किंग, क्वीन और सभी फेरीज चिंतित थीं। तभी 7वीं फेरी आगे आई। मैं बुरी परी का श्राप तोड़ तो नहीं सकती, लेकिन मैं प्रिंसेस अरोरा को ये ब्लेसिंग दे सकती हूँ कि वो सुई के चुभने से गहरी नींद में सो जाएगी और पूरे 100 साल तक उसके साथ ये महल गहरी नींद में सोया रहेगा। फिर एक अच्छे प्रिंस के छूने से प्रिंसेस और ये महल
सब जाग जाएंगे। देखते ही देखते 16 साल बीत गए। प्रिंसेस अरोरा एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन चुकी थी और आज उनका 16वां जन्मदिन था। प्रिंसेस के माता पिता बहुत चिंतित थे। प्रिंसेस अरोरा बगीचे में खेल रही थी, तभी उनका ध्यान एक सुंदर खरगोश पर पड़ा। अरे वाह, ये कितना खूबसूरत है! प्रिंसेस ने उस खरगोश को पकड़ना चाहा, लेकिन वो खरगोश भागने लगा। प्रिंसेस अरोरा खरगोश के पीछे पीछे भागने लगी। खरगोश एक मीनार के अंदर घुस गया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। प्रिंसेस भी उसके पीछे पीछे चलती रही। प्रिंसेस एक कमरे में पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही थी। ये आप क्या कर रही हैं? मैं रेशम बुन रही हूँ। क्या मैं भी ये कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही प्रिंसेस ने चरखा घुमाया, चरखे की सुई उनके हाथ में चुभी और वो बेहोश हो गई और बूढ़ी औरत बुरी फेरी में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। प्रिंसेस को अपने कमरे में लाया गया। फेरीज ने प्रिंसेस को सजाया और फिर कुछ ही देर में सारा महल गहरी नींद में सो गया। किंग, क्वीन, सारे सिपाही, सब के सब सो गए। 100 साल बाद एक प्रिंस इस जंगल से गुजर रहा था। उसका ध्यान किले पर गया और वो इस किले की ओर बढ़ने लगा। ये क्या? ये सब सो क्यों रहे हैं? इन्हें क्या हुआ? प्रिंस भीतर गया और उसने किंग और क्वीन को सोते हुए देखा। इसके बाद वो दूसरे कमरे में गया और उसे वहां प्रिंसेस दिखी। ये कितनी खूबसूरत है! प्रिंस ने प्रिंसेस का हाथ चूमा और प्रिंसेस की गहरी नींद टूट गई। सारे महल में जादू की लहर दौड़ पड़ी और सभी लोग जाग गए। प्रिंसेस अरोरा और उस प्रिंस की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सारी अच्छी फेरीज ने उन्हें ब्लेस किया। तो रूही, क्या हर प्रिंसेस की लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें होती हैं? नहीं नहीं दादी माँ, उन्हें तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल हमारी तरह, हमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, पर जो भी हो तो मेरी प्रिंसेस ही। हाँ दादी माँ, मैं प्रिंसेस रूही हूँ। दादी माँ, आज मुझे आप कौन सी कहानी सुनाएंगी? ऐसी कहानी जिसमें जादू भी हो और राजकुमार और राजकुमारी भी हो। तो चलो ब्यूटी की कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी की 3 बेटियां थी, ब्लिस, ब्लॉसम और ब्यूटी। ब्यूटी सबसे खूबसूरत थी। एक दिन व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल रहा था। उसने अपनी 3 बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। ब्लिस और ब्लॉसम ने महंगे गहने और कपड़े मांगे, लेकिन ब्यूटी ने सिर्फ एक गुलाब मांगा। व्यापारी अपने घोड़े पर बंदरगाह पहुंचा। अरे ये क्या, ये जहाज कैसे टूट गया? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी ये,
अब मेरी बेटियों का क्या होगा? व्यापारी बहुत दुखी था। वापसी में व्यापारी और उसका घोड़ा जंगल के रास्ते लौट रहे थे, तभी तूफान शुरू हो गया। अब व्यापारी का घोड़ा चल नहीं पा रहा था। तभी व्यापारी की नजर जंगल में बने एक महल पर गई। तूफान से बचने के लिए व्यापारी महल के अंदर गया। सुनिए सुनिए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, कोई है यहाँ? व्यापारी ने बहुत आवाजें लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। व्यापारी को मेज पर बहुत सारा खाना दिखा जो उसने भूख के कारण खा लिया। और खाने के बाद महल के एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था तो महल के बाहर उसे एक फूलों का बगीचा दिखा। ब्यूटी ने गुलाब मांगा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे गुलाब तोड़े? मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो, व्यापारी ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा पर तुम्हें अपनी बेटी ब्यूटी को यहाँ भेजना होगा। राक्षस ने व्यापारी को एक बड़ी सोने के सिक्कों की पोटली भी दी। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी बेटियों को राक्षस की बात सुनाई। ये सब सुनकर ब्यूटी रोने लगी। लेकिन कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची। और उसने भी मेज पर बहुत सारे पकवान देखे और उन्हें खा लिया। फिर आज से तुम यहीं रहोगी। राक्षस को देख ब्यूटी घबरा गई। और तुम्हारा कमरा ऊपर से दाहिनी ओर है। जब ब्यूटी अपने कमरे में पहुंची तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उसकी हर मनपसंद चीज थी, जैसे किताबें, संगीत और अब उसे लगा शायद राक्षस इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा था। दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी ने देखा कि उसके पिता रो रहे थे और फिर वो भी रोने लगी। अगले दिन फिर राक्षस ब्यूटी को मेज पर मिला, पर इस बार ब्यूटी को राक्षस से उतना डर नहीं लगा। राक्षस अब ब्यूटी को रोज मिलने लगा। वो ब्यूटी की मन पसंद चीजें हमेशा तैयार रखता था। एक दिन, दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूं। ब्यूटी के पिता बीमार थे और फिर ब्यूटी राक्षस के पास पहुंची। मेरे बाबा बहुत बीमार हैं,
उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम जाओ। ये लो, ये जादुई अंगूठी है, इसे पहनकर सो जाओ और तुम अपने पिता के घर में उठोगी, और जब वापस आना हो वापस इसे पहनकर सो जाना, तुम वापस महल आ जाओगी। लेकिन याद रहे, सिर्फ 7 दिन, वरना 7 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। ब्यूटी ने वैसा ही किया। व्यापारी ब्यूटी को देख बहुत खुश हुआ और फिर ब्यूटी ने अपने बाबा की अच्छे से सेवा की। धीरे धीरे ब्यूटी के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन ब्यूटी पौधों को पानी दे रही थी, तब उसे महल के बगीचे और राक्षस की याद आई। अब 7 दिन हो चुके थे। मुझे वापस महल लौटना ही होगा, कहीं वो सच में मर ना जाए। महल में पहुंचकर ब्यूटी राक्षस को ढूंढने लगी। पर वो कहीं नजर नहीं आया। फिर ब्यूटी महल के बाहर गुलाब के बगीचे में पहुंची। वो राक्षस वहीं जमीन पर पड़ा था। ये क्या हो गया? तुम नहीं मर सकते क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम्हारे प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था जो अब टूट गया है। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। फिर ब्यूटी के व्यापारी पिता ने राजकुमार और ब्यूटी की शादी कर दी और वो हमेशा खुश रहे। तो बताओ रूही, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? दादी माँ, बहुत अच्छी थी। एक लड़की को राक्षस से प्यार हो जाता है और फिर राक्षस राजकुमार बन जाता है। अरे वाह! हाँ हाँ मेरी लाडली, अब कहानी खत्म हो चुकी है, सो जाओ। हाँ दादी माँ, शुभ रात्रि। दादी माँ शुभ रात्रि।